बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। ब्रिटिश इंडिया के समय में जब भारतीय समाज अपने अंधविश्वासों और आधुनिक वैज्ञानिक तर्क के बीच असमंजस में फंसा था, एक रूढ़िवादी तमिल परिवार में एक महान गणितज्ञ ने जन्म लिया। जब भी किसी अंक को उसी से भागित किया जाए तो उत्तर में एक मिलता है। इसका मतलब 3 को 3 से भाग करने पर 1 मिलता है, 1000 को 1000 से भाग करने पर 1 ही मिलता है। उदाहरण के लिए 1000 आम को अगर 1000 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 ही आम मिलेगा। समझ गए ना? हाँ सर, 0 का 0 से भाग करने पर हमें 1 मिलेगा सर, और अगर 0 आम 0 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 आम मिलेगा सर। कैसी बात करते हो, 0 का कोई मूल्य नहीं होता। नहीं सर, पर गणित में हर एक अंक का मूल्य 0 लगाने के बाद ही बढ़ता है सर। जैसे अगर हम 1 को लेंगे, उसका मूल्य 1 है, उसके आगे 0 लगाओ तो उसका मूल्य 10 हो जाता है, उसके आगे एक और 0 लगाओ उसका मूल्य हो जाता है 100। अगर ये सही है तो 0 का मूल्य नहीं है, या कैसे कह सकते हैं सर? ये क्या मिस्टर सुबैयर, एक भी टाइम टेबल सही नहीं बनाया है आपने। किसी सेक्शन में इंग्लिश की क्लास नहीं है, किसी में बायोलॉजी क्लास नहीं है, आप ठीक कर ही नहीं पाए हैं। सर आप मेरी पत्नी से पूछिए, पूरे 2 हफ्ते से रात दिन एक करके बिना थके इन टाइम टेबल्स पर काम किया है मैंने, फिर भी गलतियां हैं। मैं एक मामूली गणित का टीचर हूँ, एकदम परफेक्ट काम तो कॉलेज के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। अब कॉलेज प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? 2 हफ्ते और जागिए और इसे ठीक करके लाइए, जाइए। ए रामानुजन, कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ। 1 मिनट सर। रामानुजन सर, चलो सर। अरे चलो सर, आप कहाँ ले जा रहे हैं सर? हेडमास्टर जी के रूम। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लोग कहते हैं कि तुम कुंभकोणम के गणित के शेर हो, स्कूल टाइम टेबल ठीक करके बताओ तो जाने। कितने सेक्शंस हैं? पहली कक्षा ABCD सेक्शन, दूसरी कक्षा ABC, तीसरी कक्षा ABCD, चौथी में ABCDE, पांचवी में ABCDEF। तो हो गए 22 सेक्शंस। हाँ। कितने टीचर्स हैं? 36 टीचर्स हैं। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है ये डिटेल है, ठीक है? बच्चे बैठ के काम करो। सर वो टाइम टेबल शीट। ये लीजिए सर। एक भी मिस्टेक नहीं, ब्रिलियंट। कहाँ जा रहा है बेटा? पंडित जी। क्या है? कुछ जरूरी बात बोलनी है। आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई है और आपके पास उनको देने के लिए 137 दोने ही है, मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम है। ये बर्तन जिसमें चने रखे हैं, इसी माप का बर्तन हमारे घर में भी है, उसमें 8710 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से 65 चने देते हो हमें, उस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 भक्त बिना प्रसाद के रह जाएंगे, ये तो नाइंसाफी है ना? हम सदियों से ऐसे ही बांटते आए हैं और तू हमें सिखाने चला है, चल जा यहाँ से। क्यों बहस कर रहा है, चल मेरे साथ। महाराज, उस लड़के ने जैसा बोला, 5 दोने कम पड़ गए और 8 भक्तों के लिए चना नहीं बच पाया। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना छोटा लड़का इतनी सही गणना कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। सब देवी नामगिरी की कृपा है। मूर्ख,
अगर तू ये कहता है कि भगवान है तो मुझे देखना है, तू उसे इस खंभे में कैसे लाता है? अब तू मुझे दिखा किधर है, इस खंभे में मुझे भगवान दिखा, नहीं तो तू ये मान ले कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। चल। प्रहलाद, तू मेरी शक्ति को मान ले। चल इधर आ। इस खंभे में तेरा भगवान है क्या? मेरे भगवान है इसमें। इस खंभे में तेरा भगवान है? मेरे भगवान है इसमें। क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? मेरे भगवान है इसमें। अभी दिखाता हूँ। रमनजा, रमनजा, सुनिए जी। क्या हुआ बेटा? डर गया था माँ। अरे रे रे। रमनजा, देख तो वहाँ, वो है नमगिरी थैया, हमारी कुलदेवी। प्रणाम करो। सारे गरे गमा गमा पमा पधा गगा मामा, पढ़ो मामा गगरे रे सासा, सासा रे रे गगा मामा, रे रे गगा मामा, रे गगा मामा। ये लो, मालिक ने 2 रुपए काट लिए ब्याज के, जो बचा वो ये है 18 रुपए। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बच्चों को संगीत सिखा रही हूँ, मंदिरों में भजन गा रही हूँ, ऊपर का कमरा भी किराए पे दे दिया है कॉलेज के बच्चों को, फिर भी घर चलाने की हर दिन की मारामारी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूँ, मैं भी इस महीने इतना ही है। हे भगवान। भैया, वो माने किराया लेने के लिए भेजा है। ये लो। क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ? मैं कल पढ़कर वापस कर दूंगा। ये कोई छोटे बच्चों के स्कूल की किताब नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम बीए के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हमें इसे समझने में तकलीफ होती है। ठीक है भैया, मैं सिर्फ देखकर वापस कर दूंगा। रमन जा, इसमें देखने के लिए कोई चित्र नहीं है, वैसे मैंने किसी बच्चे को गणित की किताब में इतनी रुचि लेते नहीं देखा। ठीक है ठीक है, ले जा। अरे रामानुजा, कल मैंने जो तुम्हें किताब दी थी वो तुमने देख ली क्या? हाँ भैया, ये लीजिए, मैंने पढ़ लिया। क्या तुमने उसे पढ़ लिया? हमारी खिल्ली उड़ा रहा है क्या? तो तुम कहते हो तुमने उसे पूरा पढ़ लिया। चलो ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे दो। ठीक है भैया। सर्कल के अंदर के क्वाड्रिलैटरल का एरिया बताओ। ये क्या? ये तो किताब में बताई हुई विधि जैसा है। बता दो। किताब में 2 पन्नों का हल है और इसने तो 4 लाइनों में हल कर दिया। नमस्ते समाहामाय श्री पीठे सुर पूजिते, चंग चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ा रोड़े डोला सुर भयंकरे। चाची, रामानुजन है। वो अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, क्या काम था? चाची मैं आपको बताता हूँ, हम सारे एक साथ पढ़ते हैं और हम सबकी इच्छा है कि हम सारे रामानुजन से ट्यूशन लें। सच में? अच्छी बात है, आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाओ, रामा बस आता ही होगा। चलो 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 चलो। रामानुजन,
सवाल हल की हुई स्लेट हमने प्रोफेसर सीतारमन सर को दिखाई। पता है 5 मिनट तो बोलती बंद थी उनकी, उसके बाद ठंडी आहें लेकर वो बोले, हाँ हमसे नहीं हल होता इतनी आसानी से, किससे करा लाए फिर? कौन है वो बताओ, कौन सी कॉलेज में पढ़ाता है वो बताओ। मैंने उनको बताया कि सर जी वो एक 8वीं कक्षा का बच्चा है जो टाउन स्कूल में पढ़ता है, उसने हल किया। ये सुनकर उनको शौक लगा, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, कल कॉलेज जाने पर ही पता चलेगा कि वो जिंदा है या फिर। पता है आपको, ऊपर रामा के पास बीए के छात्र आए हैं, वो भी ट्यूशन लेने के लिए। अब तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री आसानी से समझ गए ना, है ना? हाँ, समझ गया। अगर कोई हमें इस तरह से पढ़ाए तो हम सब मास्टर बन जाएंगे। रामानुजन तो महान है। तुम सबको पता है वो बहुत गरीब है, हम सभी को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, जरूर करेंगे। अब हम सबके दिमाग में गणित तो बैठ गया, तो अब लड़कियों को अपने दिमाग में बिठाने के लिए हमारे पास लाइसेंस है। तालाब में पहले एक कमल खिलता है, आश्चर्य है दूसरे दिन एक कमल दो कमल में बदल जाता है, और 15 दिनों में आधा तालाब कमल के फूल से भर जाता है। तो कितने दिनों में पूरा तालाब भर जाएगा कमल के फूलों से? क्या बचकाना सवाल है, 15 दिन में आधा तालाब भर जाता है फूलों से, तो अगले 15 दिनों में पूरा भर जाएगा, ये भी कोई सवाल हुआ? अगर कमल से आधा ताला भरा हुआ है तो पूरा भरने के लिए सिर्फ एक और दिन लगेगा। कितना होशियार है तू, सुना आपने, आपके बेटे ने सही जवाब दिया। ठीक तू है, ठीक कितना होशियार है, तू तो दुनिया में प्यारा बेटा है। 8 7 6 5 4 रामानुजन यहाँ आओ। जल्दी आओ। चलो इनके साथ कसरत करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तुम्हारे सारे दोस्त कर रहे हैं रामानुजन। कसरत तो मैं रोज करता हूँ सर, पर शरीर के साथ नहीं, अंकों के साथ, मेरे लिए उतना ही काफी है सर। अंकों के साथ कसरत,